Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will discuss about Computer Network 2nd chapter number 12 class 12. Student, what is network? So student, you know network is a collection of hardware and सॉफ्टवेयर. ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कलेक्शन, इनको मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जिससे हम किसी भी वर्क को इजीली परफॉर्म कर सकें. ओके स्टूडेंट, मेनी प्रोटोकॉल अलोंग विद इफिशेंटली रिटन सॉफ्टवेयर वर्क ब्यूटीफुली अलोंग विद कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क हार्डवेयर टू मेक कंप्यूटर नेटवर्क. यस स्टूडेंट, ये न्यू टर्म रिप्रेजेंट प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स. ओके स्टूडेंट, तो प्रोटोकॉल्स को हम क्या बोलेंगे, रूल्स. तो जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं तो नेटवर्किंग में कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है. ओके स्टूडेंट, तो नेटवर्किंग के थ्रू हम हमारा वर्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. यू हैव read that some waves from the electromagnetic spectrum like radio waves and microwaves are used for carrying data or messages. How these waves carrying messages in the result of a particular technique called modulation. Modulation is the process of changing the characteristics of the wave to be transmitted. Okay. Yes, student, modulation is a technique. Modulation is a technique. For example, आपने देखा होगा आपके घर में जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम बीच में एक लगाते हैं मॉडेम. ठीक है, तो मॉडेम क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको मॉड्यूलेट करता है, ट्रांसफर करता है किसमें, डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल्स को फिर ट्रांसफर कर देता है किसमें, एनालॉग सिग्नल में. क्योंकि जो हमारा डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस कौन सा सिग्नल अंडरस्टैंड करता है, डिजिटल सिग्नल. और जो वायर्स में जो सिग्नल चल रहे हैं वो कौन से सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल. तो मॉड्यूलेशन एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं उनको चेंज करते हैं एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग. मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव टू बी ट्रांसमिटेड. मेजर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन. टू मेजर टेक्निक ऑफ मॉड्यूलेशन वर्क विद टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी. तो मॉड्यूलेशन टू टाइप से वर्क करेगा, एम्पलीट्यूड पे और फ्रिक्वेंसी पे. दो टेक्निक्स हैं, उनको हम देखेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज फ्रिक्वेंसी. नाउ फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड. द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज इट्स मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब पोजिशन. इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ द हाइट ऑफ द वेव. यस, एम्पलीट्यूड मीन्स स्टूडेंट, कोई एक सिग्नल चल रहा है, सिग्नल वेव चल रही है, तो सिग्नल वेव में जितना डिस्टर्बेंस होगा उसका पीक पॉइंट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर सिग्नल में कितना डिस्टर्बेंस है. नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी. द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर सेकेंड. मीन्स एक सेकेंड में किसी भी सोर्स से कितनी वेव्स पास आउट हो रही है, कितनी वेव्स निकल रही है. इन इट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ सर्टन पॉइंट इन वन सेकेंड. ओके स्टूडेंट, तो पर्टिकुलर किसी भी सोर्स से पर सेकेंड में कितनी वेव्स क्या हो रही है, पास हो रही है, सो किसमें आएगा, फ्रिक्वेंसी. नाउ टू मेजर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स. तो दो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, टू टाइप्स की. फर्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड सेकेंड वन इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. नाउ वी विल डिस्कस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे AM. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की शॉर्ट फॉर्म है AM. स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर आपको काफ़ी सारी शॉर्ट फॉर्म्स मिलेंगी. ये एग्जाम के बिहार से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म्स आती है, उनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी होती है. तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस चैप्टर में काफ़ी सारी आपको फॉर्म्स मिलेगी शॉर्ट फॉर्म्स, उनको आपको लर्न करना है. तो एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ द कैरियर वेव. ये देखो स्टूडेंट, ये क्या रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. ये कौन सा सिग्नल है,
कैरियर सिग्नल, तो कोई भी सिग्नल होगा, सपोज कोई वॉइस सिग्नल है, तो वॉइस सिग्नल ऐसे ट्रांसमिट नहीं होगा, ऐसे वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक कैरियर सिग्नल चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर सके, वन एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे सपोज हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई व्हीकल यूज़ करते हैं, उसी के थ्रू हम क्या जाते हैं, उस प्लेस तक जाते हैं। तो ठीक वैसे ही जो सिग्नल होगा वो किसका यूज़ करेगा, कैरियर सिग्नल का, और कैरियर सिग्नल के थ्रू ही वो क्या होगा, पास होगा वन साइड टू अनदर साइड। और ये जो है ये क्या हो गया, मॉड्यूलेट सिग्नल हो गया, जिसमें कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटर सिग्नल दोनों क्या हो गए, मिल गए। नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको हम बोलेंगे FM। FM इज अ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जस्ट एट द एम्पलीट्यूड गेट्स वेरीड एज पर द इनपुट मैसेज सिग्नल इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज एडेड टू द प्योर कैरियर वेव इन देयर बाई चेंजेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। In that way, users can use changes of frequency to carry the messages information. This is called frequency modulation or FM. Yes, student, FM. Example of FM is, जैसे आपने देखा होगा आपका जो FM चलता है, FM जो सिग्नल चल रहे हैं, जो आपके FM आता है, जो आप मोबाइल पे FM चलाते हैं, वो सब किसके, वो उस पर कौन सी फ्रिक्वेंसी चल रही है आपकी, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या जिसको हम बोल रहे हैं FM। तो एक पर्टिकुलर आपको बैंड दे दी गई है, एक पर्टिकुलर कैरियर आपको दे दिया गया, उसी के ऊपर पर्टिकुलर क्या चल रहा है, आपका सिग्नल चल रहा है, इट इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ नेक्स्ट इज कॉलिजन इन वायरलेस नेटवर्क। यस स्टूडेंट, ये वायरलेस नेटवर्क, you know very well what is wireless network. Wireless network means वो network जो without wire आपने establish किया हुआ है। Suppose three mobiles आपने क्या कर रखे हैं, एक दूसरे से करे हुए हैं via Bluetooth। तो वो जो चीज़ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, wireless, जो without wire connect है वही क्या हो जाएगा, wireless network। Now let's see, transmitting over a shared, transmitting means आपके सिग्नल को वन साइड से अनदर साइड भेजना, उसको हम बोल देंगे ट्रांसमिट, ट्रांसमिट करना सिग्नल को, ठीक है, सिग्नल को हम भेज रहे हैं, मीन्स वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ओवर अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर्स दैट एट अ टाइम ओनली वन सेंडर एंड वन रिसीवर यूज द कम्युनिकेशन मीडियम। ओके, तो जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, एक तो रिसीवर होगा और एक सेंडर होगा, वन रिसीवर होगा और वन सेंडर होगा, एक मैसेज सेंड करेगा और सेंडर क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा, तो वन बाय वन कम्युनिकेशन होगा। इफ मल्टीपल नोड्स ऑन द सेम नेटवर्क ट्रांसमिट डेटा एट अ सेम टाइम, पर क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल नोड्स मीन्स बहुत सारे सिस्टम एक साथ वन टाइम पे क्या कर रहे हैं, नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, मीन्स डेटा को शेयर कर रहे हैं या भेज रहे हैं। इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड कॉलिजन एंड डेटा गेट लॉस्ट। तो इस टाइम पे जो कंडीशन बन रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलिजन बोल रहे हैं, और उस टाइम पे क्या हो सकता है, वो आपका डेटा लॉस हो सकता है जब मल्टीपल सिस्टम या नोड्स एक साथ आपको डेटा सेंड कर रहे हैं। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क कॉलिजन इज अ स्पेसिफिक कंडीशन दैट अकर व्हेन टू और मोर नोड ऑन अ नेटवर्क ट्रांसमिट डेटा एट अ सेम टाइम। तो ये कंडीशन कब जनरेट होगी कॉलिजन, जब टू और मोर कंप्यूटर्स, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ क्या कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये कॉलिजन हो सकता है। टू वे कम्युनिकेशन इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। जो टू वे कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक जना बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर वो बोल रहा है, फिर सुन रहा है। टू वे कम्युनिकेशन मतलब होता है दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। जैसे आपने देखा हुआ एग्जाम्पल लो, दिस कम्युनिकेशन इज रोड, एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। रोड क्या होती है, वन वे मीन्स जिसपे एक ही रोड है, जिसपे ट्रैफिक, पहले ट्रैफिक आएगा फिर रोकेंगे फिर ट्रैफिक जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स एक तरफ से जा रहा है और एक तरफ से आ रहा है, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन। बट इन वायरलेस नेटवर्क इफ कॉलिजन अकर द ट्रांसमिटिंग नोड कैन नॉट डिटेक्ट इट। पर अगर वायर नेटवर्क में तो कॉलिजन होगा नहीं, पर अगर वायरलेस नेटवर्क में क्या होगा, कॉलिजन होगा, तो नोड उसको क्या करता है, उसको डिटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। कॉलिजन अगर हो गया तो डिटेक्ट नहीं होगा, किसमें, वायरलेस टेक्निक में। अब इसको ओवरकम करने के लिए कुछ टेक्निक से
This is because the node in a wireless network cannot listen while transmitting. Such type of communication is called half duplex. तो इस तरह का जब environment हो रहा है, इस तरह की जो collision हो रहा है, तो उसको हमारा node अंडरस्टेबल नहीं कर पा रहा. तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन किसमें हो रहा है, वायरलेस टेक्नोलॉजी में. और वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, कॉलिजन भी हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल नोड्स एक साथ क्या कर रहे हैं, जब मैसेज सेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस क्या हो जाए, बीच में ड्रॉप हो जाए. ओके, वायरलेस नेटवर्क्स इम्प्लीमेंट इट यूजिंग अ स्पेशल प्रोटोकॉल called CSMA and CA. Full form of CSMA and CA, carrier sense multiple access and collision avoidance. तो wireless network में हम कौन सा protocol use, एक protocol use कर रहे हैं, एक technique use कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे CSMA CA, carrier sense multiple access and collision avoidance. Now wired network used collision detection methods such as CSMA and CD. तो जो वायर नेटवर्क होता है वो कौन सा कॉलिजन डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, CSMA एंड CD. जबकि वायरलेस में क्या यूज़ हो रहा है, CSMA एंड CS. तो फुल फॉर्म ऑफ CSMA एंड CD इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कॉलिजन डिटेक्शन. एज वायर नेटवर्क आर फुल डुप्लेक्स, क्योंकि वायर नेटवर्क तो कैसा है, फुल डुप्लेक्स है, एंड हैंस कैन रिसीव लिसन वाइल ट्रांसमिटिंग. बट सी एस एम एस सी डी इज नॉट सुटेबल फॉर वायरलेस नेटवर्क. पर सी एस एम एस सी डी जो मेथड है उसको हम वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, हाफ डुप्लेक्स. और वहाँ पर जो वायर्ड कम्युनिकेशन है वहाँ पर किस टेक्नोलॉजी का यूज करना है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का. ओके स्टूडेंट, नाउ हाउ सी एस एम एस सी ए वर्क. तो सी एस एम ए सी ए जो टेक्नोलॉजी है वर्क कैसे करती है, इसको समझने के लिए हम ये डायग्राम देखेंगे. सी एस एम ए सी ए विथ ए सी के, ए सी के मीन्स एक्नोलॉजमेंट मैथड. तो कौन से मैथड पे वर्क करेगी, एक्नोलॉजमेंट मैथड पे. अभी देखो, हियर ए एंड बी, ये दो ए जो है यहाँ से क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा और बी डेटा रिसीव करेगा. फर्स्ट ए वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू बी, ए जो है डेटा सेंड करना चाहता है किसको, बी को. ओके स्टूडेंट, तो ए रेडी है, चैनल इज फ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेगा कि कोई चैनल फ्री है, जिस चैनल पे क्या हो डेटा ट्रांसमिट होगा, क्योंकि डेटा ऐसे जाएगा नहीं, डेटा किस पे जाएगा, किसी न किसी कम्युनिकेशन वेज पे जाएगा. तो फाइंड आउट करते हैं कोई चैनल फ्री है, चैनल इज फ्री. ए इज रेडी टू ट्रांसमिट, तो ए जो है वो रेडी होगा किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, कि अब डेटा को हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है. नाउ ए सेंड्स डेटा टू बी, तो ए ने डेटा सेंड किया, सेंड कर दिया डेटा किसको, बी को. ये देखो डेटा है, ये ए नोड है, ये बी नोड है, डेटा सेंड हो रहा है किसको, बी को. बी सेंड एक्नॉलेजमेंट, और बी सेम टाइम पे जैसे इसने डेटा इसको सेंड किया, ये क्या करेगा, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा किसको, ए को. बी सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट ए को. एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड इन टाइम, अगर ये टाइम पे अगर इसको मिल जाता है, मीन्स सक्सेसफुली ट्रांसमिशन, जो आपका ट्रांसमिशन है वो क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया. अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है तो जो आपका ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है. तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सी एस एम ए सी एस टेक्निक या कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट, एरर चेकिंग या एरर डिटेक्शन. सपोज यदि आप डेटा को डेटा कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर, तो हो सकता है कि बीच में आपका डेटा क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए. तो उस लॉस्ट को देखने के लिए हम कुछ टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एरर चेकिंग या एरर डिटेक्शन टेक्निक. क्योंकि जितना भी डेटा होता है वो किस फॉर्म में जाता है, बाइनरी फॉर्म में, 0101 फॉर्मेट में. नाउ व्हाइल ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर नेटवर्क्स सम एरर्स मे अकर एंड डेटा में गेट करप्टेड. तो जब भी आप डेटा जो है नेटवर्क पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो एरर जनरेट हो सकती है और आपका डेटा क्या हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है. द एरर कैन बी वन और मोर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. तो डिफरेंट टाइप्स की एरर होती है, उसमें फर्स्ट है सिंगल बिट एरर. इफ ओनली वन बिट ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा गॉट
changed from 1 to 0 or 0 to 1. Student, आपको पता है bit, what is bit? तो जब भी हम किसी भी डेटा को किस में ट्रांसफ़र करते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बिट। तो जितना भी डेटा है वो किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 0101 बाइनरी फॉर्मेट में। यदि कोई भी एक 10 में चेंज हो गया या 0 बिट 1 में चेंज हो गई, तो जिस जो एरर आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बिट एरर। नाउ सेकेंड इज मल्टीपल बिट एरर। इफ़ टू और मोर बिट्स आर different between sending and receiving data stream, then the error is called multiple bit error. Yes student, यदि two or more यदि bits जो हैं वो changes हो जाती है 1 to 0, 0 to 1 में, तो वो जो error आएगी उसको हम बोलेंगे multiple bit error. Now third is rust error. If two or more consecutive bits in data got changes from 0 to 1 or from 1 to 0. तो इस तरह से जो एरर आएगी वो कौन सी एरर आएगी, ब्रस्ट एरर। तो थ्री टाइप की एरर हो गई, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर एंड थर्ड वन इज ब्रस्ट एरर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम कॉमन एरर चेकिंग मेथड इन नेटवर्क्स। ओके, फर्स्ट इज सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। तो ये जो फर्स्ट मेथड है इसको हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। पैरिटी रेफर्स टू एन एडिशनल बिट एडेड टू द एक्चुअल डेटा। तो हमारा जो भी एक्चुअल डेटा होगा उसमें हम क्या कर देंगे, एक बिट ऐड कर देंगे। ठीक है, जो डेटा जरा 010101 फॉर्मेट में, उसमें हम हमारी एक लास्ट में एक एक्स्ट्रा बिट को क्या करना है, हमें ऐड करना है एक्चुअल डेटा में। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी आर यूजिंग टू सैम्पल डेटा यूनिट एस, ये हमने दो डेटा यूनिट्स लिए, ये फर्स्ट डेटा है और ये हमारा सेकंड डेटा है। नाउ स्टेप नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ वंस इन काउंटेड इन द एक्चुअल डेटा यूनिट। तो नंबर ऑफ वंस, तो यहाँ पर टू डिजिट्स हैं, 0 and 1, 0 and 1, तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वंस यानी कि वन जो है उनको काउंट करेंगे। इन 1011, 0111 यानी कि फर्स्ट जो डेटा है द नंबर ऑफ वंस इज 6, तो उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 6 है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, which is an even number. तो 6 है तो क्या हो गया, even number हो गया। And in second data, the number of ones is 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो which is an odd number. तो first में number of ones कितने हैं, even, यानी कि 6 है तो even हो गया। और जो 2 data है, second number का data है, उसमें number of ones कितने हो गए, 5, तो वो क्या हो गया, एक तरह से odd data हो गया। Step number second, add an एक्स्ट्रा बिट कॉल्ड द पैरिटी बिट टू एक्चुअल डेटा। अब हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा बिट किस में ऐड करनी है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, यानी कि ये भी हमारा एक्चुअल डेटा है और इस एक्चुअल डेटा में हमें एक पैरिटी बिट ऐड करनी है। नाउ स्टेप नंबर 3, फ्रॉम द रिसीव डेटा एक्सक्लूडिंग द पैरिटी बिट, वंस अगेन डिटरमाइन द पैरिटी बिट यूजिंग द सेम प्रोसेस बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ वंस इन रिसीव डेटा एंड compare it with the received parity bit. तो जैसे हमें receive, हमारा जो data है हमें find out हुआ, किसको, user को find out हुआ, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, again फिर checking करते हैं number of months को, ठीक है, जो हमने हमारी उसमें extra bit add करी है। If the received parity bit match with the calculate parity bit, data is considered as correct. यदि दोनों जो बिट्स हैं वो सेम होती है, जो डेटा वहाँ से सेंड हुआ था और जो डेटा में रिसीव हुआ है, तो जो आपको डेटा है वो क्या आपका एकदम करेक्ट है। अदरवाइज द रिसीव डेटा अंटिल इन कंसीडर एज करप्टेड। पर दोनों बिट्स यदि चेंज हो जाती है, ठीक है, पैरिटी बिट्स चेंज हो जाती है, जो हमारा वंस चल रहा है फर्स्ट डेटा का वो इवन था और हमें क्या मिल गया, ऑड मिल गया, मीन्स हमारा डेटा क्या हो गया, करप्ट हो गया, या जो सेकेंड डेटा था वो क्या था, ऑड था और हमें इवन मिल गया नंबर ऑफ वंस, तो क्या हो गया, हमारा डेटा करप्ट हो गया। तो सेम जो मेथड, जो प्रोसेस वहाँ पर हुआ था वो प्रोसेस यहाँ करना है और आपको चेक करना है कि जो हमारा डेटा हमें मिल रहा है वो सेम फॉर्मेट में मिल रहा है या डिफरेंट फॉर्मेट में मिल रहा है। अगर फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहा है, मीन्स आपका जो डेटा है वो करप्ट हो गया। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सिंगल डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग। फर्स्ट इज इट इज अ सिंपल मैकेनिज्म विच इज ईजी टू इम्प्लीमेंट्स। तो सिंपल मैकेनिज्म होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको। सेकेंड, इट इज एन इनएक्सपेंसिव टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग द एरर इन डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो सबसे सिंपल
जो ये है मेथड है किसी भी एरर को डिटेक्ट करने में. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग. जो सेकंड मेथड है उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग. दिस टेक्निक वर्क्स विथ मल्टीपल डेटा यूनिट्स. तो जो बिट्स हैं अब हम किस पे करेंगे, मल्टीपल बिट्स पे हमारा डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो इसको इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, टू डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग. अंडरस्टैंडिंग पर्पस डेटा अनटिल स्ट्रिंग्स एंड आर. तो ये 1, 2, 3, 4, तो ये 4 डेटाज हैं जो हमें क्या करने हैं, सेंड करने हैं रिसीवर को. ओके, नाउ स्टेप नंबर फर्स्ट, ऑर्गेनाइज ऑल डेटा यूनिट्स बीइंग सेंड. सारी डेटाज को आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है वन बिलो अनदर सो दैट इट अपीयर्स एज टेबल ऑफ बिट्स. तो ये जो टेबल्स बनाई हैं आपने बिट वाइज, ये फर्स्ट डेटा था आपका 1101 0001 0001 0001 इस तरह से आपने क्या करा, जो 4 डेटाज हैं उनको आपने अरेंज कर लिया टेबल फॉर्मेट में. नाउ सेकंड, कैलकुलेट पैरिटी बिट फॉर ईच डेटा यूनिट रो वाइज एंड कॉलम वाइज. कंसिडर वन डेटा यूनिट एज अ रो एंड बिट्स बिलोंग वन अनदर एज कॉलम. तो आपको क्या करना है, इनको काउंट करना है रो वाइज एंड कॉलम वाइज. तो ये जो बना ये तो क्या बन गया आपका, कॉलम्स, और ये जो है ये आपकी क्या है, रोज है. नाउ देखो कॉलम 4, तो कॉलम 4 हैज नंबर ऑफ वंस एज 3. तो जो कॉलम 4 है 1, 2, 3, 4, तो कॉलम 4 में नंबर ऑफ वंस कितने, 1, 2 एंड 3. तो नंबर ऑफ वंस कितने इसमें, 3, एंड ऑड नंबर्स, हैंस इट्स पैरिटी बिट विल बी 1. तो ये जो 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 3. तो 3 क्या हो गए, ऑड हो गए. तो ऑड होते ही हमारी जो पैरिटी बिट होगी वो हमने यहाँ पे क्या कर दी, 1. मीन्स अब नंबर ऑफ वंस क्या हो गए हमारे, इवन हो गए. नाउ कॉलम 1 हैज 2 वंस. तो कॉलम 1 जो है इसमें कितने वन है हमारे, 2 वंस हैं. ओके, एंड इवन नंबर, हैंस इट्स पैरिटी बिट इज 0. तो यहाँ पर हमें हमारी पैरिटी बिट क्या लगानी है, हमें 0, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वंस को क्या करना है, इवन करना है. तो यहाँ ऑड थे तो हमने एक नंबर ऑफ वन लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा, इवन हो गया. और यहाँ पर वैसे इवन थे तो हमने नंबर ऑफ पैरिटी बिट क्या कर दिया, 0 कर दिया. तो इस तरह से आपको मेजर करना है पूरे कॉलम्स को, और सेम आप मेजर करोगे पूरी रोज को. तो जैसे हमने 2 कॉलम्स बनाए उसी तरह से आपको क्या करते जाना है, पैरिटीज ऐड करते जाना है. यदि नंबर ऑफ वंस इवन है तो क्या कर दोगे, 0 पैरिटी और ऐड कर दोगे, और नंबर ऑफ वंस ऑड है तो कौन सी पैरिटी ऐड कर दोगे, 1 पैरिटी ऐड कर दोगे. ओके, नाउ द रो पैरिटी बिट्स एंड कॉलम पैरिटी बिट्स आर अगेन recalculated using the received data parts only and compared with the received row parities and column parities if these match, data is accepted otherwise rejected. अब जैसे ही हमने complete करके भेजा था parities, अब जैसे इसको receiver को ये data receive हुआ, वहाँ पर क्या होंगे हम इनको जो हमारी पैरिटीज है उनको कैलकुलेट करेंगे कि रिसीव पैरिटीज भी हमें यही मिल रही है ना. जैसे हमें यहाँ मिली 0, रिसीव भी 0 मिली है, यानी कि डेटा, ये जो डेटा है वो क्या है, करेक्ट है. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मैच हो गई, करेक्ट है, डेटा करेक्ट है. यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, डेटा क्या है, करेक्ट है. मीन्स यहाँ पर भी ठीक है, 1 1, डेटा करेक्ट. तो रो वाइज हमें डेटा क्या मिला है, करेक्ट मिला है. बट हम कॉलम वाइज चेक करते हैं, 0 0 करेक्ट है कॉलम, 1 1 करेक्ट है, 0 करेक्ट है. बट यहाँ 0 0 था पर हमें क्या मिल रहा है, नीचे 1 1 मिल रहा है. मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आपके एरर आ गई है. मीन्स जो आपको अब डेटा मिला है वो डेटा कैसा है, आपका करप्टेड डेटा है, या उसमें कुछ डेटा में आपको क्या मिले हैं, चेंजेस मिले. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इस सेकंड मेथड से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को चेक कर सकते हो. ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड इज चेक सम मेथड. द टर्म चेक सम रेफर्स टू अ सम ऑफ सम bits calculated from digital data that is used to ensure the data integrity at the receivers end. Integrity मतलब होता है duplication, मतलब आपको एक ही चीज एक से ज़्यादा time आपको क्या हो गई, receive हो गई है. The checksum is calculated as per a specific scheme and is used for error checking
इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो स्टूडेंट चेकसम भी क्या है, एक टेक्निक से जिसके अंदर हम डिजिटल डेटा को क्या करते हैं, चेक करते हैं रिसीवर एंड पर कि जो डेटा हमें रिसीव हुआ है वो एक्चुअली में करेक्ट है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज राउटिंग। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ efficiently selecting a path in a network along which the data packets will travel to their destination. तो routing एक process है जिसके through आपके जो data packets हैं वो particular किसी भी मतलब जहाँ से उसको receive करना है वो वहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, travels कराता है कौन, routing। routing क्या करता है, path देता है। suppose मैंने यहाँ से कोई data भेजा है किसी दूसरे मोबाइल पे, तो वो किसके थ्रू जाएगा, वाया राउटिंग। तो राउटिंग के राउटर के थ्रू क्या हुआ, राउटिंग के थ्रू एक पाथ जनरेट हुआ और उस पाथ के थ्रू क्या चला गया, डेटा रिसीवर को मिल गया। तो राउटर जो है, राउटिंग जो पाथ बना है वो किस तरह का पाथ है, वायरलेस। राउटर का यूज़ किसके लिए करते हैं, वायरलेस के थ्रू। जब भी आपको कोई नेटवर्किंग करनी है, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है विदाउट वायर, तो आप किसका यूज़ करेंगे, राउटर का यूज़ करेंगे। तो जो पाथ बनेगा डेटा पैकेट्स के लिए उसे हम क्या बोलेंगे, राउटिंग। राउटिंग टेबल, अ राउटिंग टेबल इज अ टेबल मेंटेन्ड बाय अ राउटर्स दैट मेंटेन्स राउटिंग इन्फॉर्मेशन। तो राउटिंग जो टेबल बनाई जाती है किसके द्वारा बनाते हैं, राउटर उसको क्रिएट करता है, किसके लिए, मेंटेन करता है उसके अंदर पूरी राउटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट राउटर्स टू अदर नेटवर्क बेस्ड ऑन विच राउटर डिटरमाइंस बेस्ट पाथ टू रिच टू अ नेटवर्क। तो उसमें क्या बताता है, जो सबसे बेस्ट पाथ होता है डेटा के लिए रिसीवर टू सेंडर, जो भी डेटा सेंडर से कहाँ जा रहा है, रिसीवर के पास में जा रहा है, तो जो सबसे बेस्ट पाथ होगा इस टेबल के अंदर वो मेंशन किया जाता है और उसी पाथ के थ्रू आपका डेटा क्या होता है, रिसीवर को मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज TCP/IP। TCP/IP इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट इंक्लूड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल्स, कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो फुल फॉर्म ऑफ TCP इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज TCP? TCP इन शॉर्ट रिलायबल कम्युनिकेशन एंड यूजर पोर्ट्स टू डिलीवर पैकेट्स, इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मीन्स इसी के थ्रू क्या होगा, आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा। नाउ नेक्स्ट इज IP। IP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एड्रेसेस ऑफ ईच कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग राउटिंग। तो स्टूडेंट जब आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपकी नेटवर्किंग में हैं, सपोज 5-6 कंप्यूटर हैं और राउटर लगा हुआ है, तो पर्टिकुलर आप हर एक कंप्यूटर को क्या दोगे, एक एड्रेस दोगे। तो वही एड्रेस किसके थ्रू दिया जाता है, IP के थ्रू, ठीक है। IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट, तो जो TCP है, TCP तो क्या है, किस तरह का कम्युनिकेशन है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो TCP जो है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड IP जो है वो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो डिफरेंस बिटवीन TCP एंड IP, तो ये डिफरेंस है, ये जो TCP है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और IP जो है वो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क कंजक्शंस एंड रीट्रांसमिशन इन TCP। Network congestion is a specific condition in a network when more data packets are coming to network devices than they can handle and process at a time. Okay, तो network congestion means होता है कि particular number of data packets one time में एक साथ आपके network में travel कर रहे हैं, आ रहे हैं और उनको manage करना, ये सब क्या होगा, network congestion. Networks identify the congestion सिचुएशन थ्रू द फॉलोइंग सिम्टम्स। एक्सेसिव पैकेट डिले, बहुत सारे पैकेट्स क्या हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ठीक है, डेटा डिले हो रहा है। लॉस ऑफ डेटा पैकेट्स, तो
जो आपका डेटा पैकेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, मतलब सेंडर को नहीं मिल रहे, रिसीवर को नहीं मिल रहे, सेंडर ने सेंड किया पर रिसीवर ने उसको रिसीव नहीं किया। और थर्ड इज़ रीट्रांसमिशन, और बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, ट्रांसमिट करना पड़ रहा है, रीट्रांसमिशन कर रहा है, किसी भी डेटा पैकेट को अगेन एंड अगेन सेंड करना हो रहा है। तो ये जो थ्री सिम्टम्स हैं ये किसके हैं, कंजेशन या रीट्रांसमिशन इन TCP/IP। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एड्रेसेस ऑन अ नेटवर्क। ऑन अ नेटवर्क वेरियस टाइप ऑफ एड्रेसेस प्ले रोल। एक तो होता है वेब एड्रेसेस जिसको हम बोलते हैं URL, एंड सेकेंड इज IP एड्रेसेस। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज वेब एड्रेस जिसको हम बोलते हैं URL। अ लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड अ वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है, लोकेशन ऑफ अ नेट सर्वर। पर्टिकुलर वेबसाइट क्या होती है, जहाँ आपका नेट सर्वर होगा उसकी लोकेशन होती है वेबसाइट। जैसे आपने टाइप किया www.google.com, तो google.com क्या है, वेबसाइट, हमारे लिए तो वेबसाइट है पर उसके लिए क्या है, वेब लोकेशन। आपने लिखा www.google.com, तो पर्टिकुलर क्या होगा, गूगल का जो सर्वर होगा वो वहाँ जाकर उसको रेस्पॉन्स करेगा। ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। कि स्टूडेंट, तो ये इम्पॉर्टेंट है, स्मॉल स्मॉल ये जो फुल फॉर्म है URL है या और भी जो फुल फॉर्म्स आएंगे ये 1-1 मार्क्स के आपके एग्जाम में आती है, तो इनको आपको लर्न करना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। तो पर्टिकुलर जितने भी URL हैं वो सब क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, जो भी वेबसाइट नेम होता है सबके क्या होता है, यूनिक होता है। आप डिफरेंट नेम के ही आपको क्या बनानी है, आपके URLs बनाने, सेम नेम के नहीं बनाने। ठीक है, नाउ द इंटरनेट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज बिल्ट ऑन अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP एंड अ पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। HTTP यूज इंटरनेट एड्रेसेस इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट कॉल्ड अ URL। ओके स्टूडेंट।